भालू है। कुछ करो। पीछे चल, पीछे पीछे चल। कुछ करो। कान कमानी भालू, कान कमान, कान कमान। आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यू सी, आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ओह, रवि सोनी, एक पत्रकार हूँ। किसी के बारे में छानबीन करने के लिए यहाँ ऊटी आया हूँ। हाउ इंटरेस्टिंग। लेकिन आप एक बात बताएंगे, आजकल पत्रकारों को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। लोगों के पास के पीछे ही लगे रहते हैं। देखिए, जो लोग जैसे दिखाई देते हैं अक्सर वैसे होते नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा फर्ज है कि लोगों को उनका असली रूप दिखा दें। आप अपना प्रेजेंट किसके पास में गवा रहे हैं? एक साफ सुथरे, दूध से धुले, बहुत चर्चित नेता। कौन है? महेंद्र सिंह। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम कविता है। कविता व्हाट? शर्मा, कविता शर्मा। शर्मा, चलो ठीक है। चलो, हम तो अपनी रोजी रोटी की तलाश में चले। बाय बाय। रात को तो मिलेंगे ना? शायद। शायद? ओके। अपने मैगजीन को सातवें आसमान पर ले जाने वाली खबर है। बॉस से कहना टूर कामयाब रहा। महेंद्र सिंह के बारे में ऐसी खबर ला रहा हूँ जिससे पूरे देश में तहलका मच जाएगा। अच्छा, ये तो बताओ, तुम वापस कभी आ रहे हो? दिल की बात मानू तो काफी दिन लग जाएंगे। क्यों, कोई मिल गई है क्या? मिली ही नहीं, मिलजुल भी गई है। क्या कह रहे हो तुम, मुझे जलन हो रही है। चलो जी भर के चलो, क्योंकि इस बार मुझे प्यार हो गया है। यू मीन लव? लव ग्लोरिया लव। यू लकी चैप, आई हेट यू। बाय। हेलो, वुड यू लाइक टू डांस? मी? No. No. बैठ भी नहीं सकता? उठो उठो। कौन कहता है कि हिल स्टेशन पर सुकून मिलता है? और तनाई का तूफान है कि रुकता ही नहीं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आप यहाँ? आप तनहा, मैं तनहा, समा सुहाना, म्यूजिक दीवाना। आओ 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 डांस करे। जी नहीं शुक्रिया। ओले, शुक्रिया तो मैं कहूंगा जब हम दोनों डांस करते करते थक जाएंगे। आओ तनाइयां दूर कर ले। मैंने कहा ना नहीं। हाँ, मैंने बचपन से सुना है, पहली मुलाकात में जब औरत ना बोले तो उसका मतलब होता है। हाँ, हाँ। आप जाइए प्लीज। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया ना, तू उसका मतलब है ना, और मार तू। हाँ।
मत हो। तो आप क्या फरमा रही हैं? ओए, ओए अभी कबाब में हड्डी भरे जा रहा है, हम आपस में बातें कर रहे हैं, तू कौन है खाम खा? ये मेरी पत्नी है। हाँ तो ठीक है, पत्नी होगी तेरी, मैं तेरी कमाल हो गई, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। अरे तेरी पत्नी है तो मेरी तो भाभी हुई। भाभी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जी, मेरे को पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई। मैं ये 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 मेरा भरा है, है? जब तक आप यहाँ हो कोई आपको तंग करे तो मुझे बुलाना। मेरा नाम है सुरजीत सिंह तन्हा, याद रखना है। जा रहा हूँ, सॉरी पापी जी, जा रहा हूँ ना यार। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहाँ देख रहे हो? वो देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं। है ना? मेरी बात नहीं सुनोगे? तुमसे कुछ पूछना है। एक बात बताओ। क्या? मुझसे शादी करोगी? तुमसे? I love you. हेलो कविता। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है, प्लेन छूट जाएगा। हाँ मेकअप गाड़ी में कर लेना। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड इन्फॉर्मेशन। ये रही आपकी टिकट। थैंक यू। और ये रही आपकी रसीद। और ये रही मिस सिंह की टिकट। और ये उनकी रसीद। देखिए भाई साहब, आप फिर से गलती कर रहे हैं। गलती मुझसे? मिस कविता सिंह नहीं, मिस कविता शर्मा। आप समझे नहीं, हमारे रजिस्टर में उन्होंने जो अपने हाथ से लिखा है वही मैंने रसीद पर लिख दिया है। दिखाइए। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। दिखा कहाँ है? ये देखिए। हम तो कभी गलती करते नहीं, क्या करेंगे। मिस सिंह कई सालों से हमारे इस होटल में आती रही है, मैं भला इतने पुराने कस्टमर का नाम कैसे भूल सकता हूँ? आप समझे नहीं। I'm sorry, बहुत देर हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलें? Let's go. Bye. आप नहीं समझे, याद रखिएगा, रूम नंबर 17, हनीमून होटल, हैप्पी लैंडिंग। कैसे हो यू? अच्छा हूँ। ठीक से साफ कर देना। जी। यहीं से वापस भेजोगी? कॉफी नहीं पिलाओगी? श्योर, आइए ना। ये मेरी सहेली का फ्लैट है। इत्तेफाक से हम दोनों का नाम कविता है। कभी कभी इससे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। आइए ना। आपकी सहेली का खत। हेलो, अभी आई। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आप कैसे हैं? बहुत दिल कर रहा है आपको मिलने के लिए। मिल सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ। सॉरी, कॉफी फिर कभी, मुझे किसी से मिलने जाना है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो मेरी माँ कहा करती थी,
कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बार बोलो तो उसे निभाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो यूं ही जनरल बात कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय। तो डरी गई थी रवि, मेरे पास किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, चंद मुलाकातें। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। रवि, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मगर मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि असली कविता कौन है, जिसने ऊटी में मेरे साथ प्यार जताया था वो, या जिसने घर में मुझसे झूठ बोला था वो, या ये। अपनी नजरों पर ही विश्वास करोगे? मेरी सुनोगे? Don't touch me! काश मैं तुमसे मिला ना होता।